मेरा नाम डॉक्टर नसीम शेख है और सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। अगर आप देखा जाए इंडिया में इस समय में सबसे जो कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। ये केवल महिलाओं में नहीं बल्कि पुरुषों में भी होता है। इंडिया में ना समझे के कारण समझो या लापरवाही के कारण हम इसे अर्ली स्टेज में नहीं पकड़ सकते। पेशेंट जब हमारे पास आता है वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। ये बीमारी केवल पेशेंट को शारीरिक रूप से खत्म नहीं करती बल्कि उनका पूरा घर परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से खोखला हो जाता है। इसीलिए हमें इस बीमारी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और आजकल हम ये ओपीडी में देख रहे हैं कि जो पहले ये बीमारी 45-60 के आसपास में लोगों को हो रही थी ये अभी 30-35 की लड़कियों में भी हो रही है। इसीलिए मैं आज ये आपसे अनुमति चाहती हूँ कि इस बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करें। केवल सिर्फ 10% लोगों में ही पता है कि बीमारी फैमिलियल होती है या जेनेटिक्स से होती है। अगर घर में एक किसी को हो गया है तो दूसरे को भी होने के चांसेस रहते हैं। पर अगर 90% लोगों में ये बीमारी क्यों होती है अभी तक इसका पता नहीं चल सका। आखिरकार इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है, ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये बीमारी हमको हो सकती है। स्तन में कोई गांठ महसूस होना या बगल में कोई गांठ महसूस होना, निप्पल से ब्लड या कोई डिस्चार्ज निकलना, निप्पल सिकुड़ जाना या अंदर खींच जाना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं इसके। जैसे हमें पता है कि इस बीमारी क्यों होती है ये हमें पता नहीं है, पर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके होने से इसके होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। वो क्या है? एक तो पहले मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे हम बैठ के रहते हैं, जो एक्सरसाइज पहले ज़माने में होती थी वो हम अभी नहीं कर पाते हैं, हेल्दी वेट मेंटेन नहीं हो पाता है, तो ये कुछ कारण है। जैसे अभी लेट मैरिजेस होते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत कम हो गई है, तो ये भी कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिससे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तंबाकू का सेवन करना, किसी भी फॉर्म में अगर तंबाकू को सेवन हो जाता है तो इसके रिस्क काफ़ी बढ़ जाते हैं। वही चीज़ शराब, शराब पीने से भी इसका जो रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है कि ये जो रिस्क फैक्टर्स है इससे हमारे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये इसको हम कैसे कम कर सकते हैं या रिस्क को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? पहला है हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना। पौष्टिक आहार खाना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं वेल बैलेंस्ड डाइट। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज होना ज़रूरी है, अपने आप को एक्सरसाइज करके चुस्त कर सकते हैं। तीसरा है हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का, जैसे हम स्मोकिंग पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए, अल्कोहल का सेवन मिनिमम से नहीं पूरा बंद हो जाना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग भी करीब करीब एक साल तक हमें ज़रूर करनी चाहिए। और जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह अगर कुछ ले रहे हैं तो उसे भी कम कर लेना चाहिए। जिनके फैमिली में 2 से ज़्यादा मेंबर अफेक्टेड है उन्होंने जेनेटिक टेस्टिंग करके अपना भी रिस्क पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फैमिली मेंबर्स को सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं बल्कि दूसरे अन्य कैंसर होने के भी चांसेस काफ़ी होते हैं। पेशेंट जब अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है तब उसमें केवल कुछ सिर्फ सर्जरी कीमो से ही काम निकल जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में हमें अन्य डॉक्टरों का सहयोग लगता है, जैसे कि सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन, इन सब के सहयोग से ही हम पेशेंट को एक बेहतर जिंदगी का अवसर दे सकते हैं। जब पेशेंट अर्ली कैंसर में हमें मिलता है तो उसका जो ट्रीटमेंट करने का तरीका भी आसान होता है और इससे पेशेंट को ट्रीटमेंट टाइम भी कम हो जाता है और पेशेंट को साइड इफेक्ट वगैरह भी कम हो जाते हैं। बल्कि जब पेशेंट हमारे पास लोकली एडवांस स्टेज में आ जाता है, मतलब जब उनकी बीमारी स्तन से निकल के उनके जो बगल में फैल जाती है, जब मल्टीपल गिल्टेप हो जाती है, तब ऐसे इसमें या फिर मेटास्टेटिक स्टेट में, मतलब जैसे अन्य शरीर के अंगों में फैल जाती है, उसमें ट्रीटमेंट का जो समय है वो बढ़ जाता है, उनके खर्चे बढ़ जाते हैं और उसमें जो बीमारी ख़त्म होने की जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसके लिए हमारा एम यही रहना चाहिए कि ये बीमारी को हम अर्ली स्टेज में पकड़ सकें। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं ये करने से हम ये बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं? एक वो है पहला सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, पेशेंट खुद ही अपने आप को एग्जामिन करके पता कर सके कि आखिरकार उसमें कुछ गांठ लग रही है क्या, या फैमिली हिस्ट्री है मेलिग्नेंसी तो उसमें ऐसा हो सकता है कि घर के मेंबर्स या आम जनता भी 45 साल की उम्र से मैमोग्राफी स्टार्ट कर सके। ये सालाना एक बार करनी होती है 65 की उम्र तक। ये कुछ तरीके हैं जिससे हम बीमारी को जल्दी पकड़ सकें। और वही चीज़ जैसे समझो फैमिली में मेलिग्नेंसी है आपकी ज़्यादा लोगों को, तो उसमें हम कैंसर रिडक्शन रिस्क सर्जरी भी कर सकते हैं जिससे वो चांसेस हम एकदम कम कर सकते हैं। तो इस बीमारी के बारे में अगर आपको कोई प्रश्न है या आप और जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख दीजिएगा, हमें खुशी होगी उसका आंसर देना। थैंक यू।